हेलो फ्रेंड्स, आजकल कन्वीनियंस का ज़माना है, बिकॉज़ आजकल असी कुछ ऐसे शॉर्टकट्स के बारे जानना चाहते हाँ। असी अपनी ज़िंदगी दे विच उन्हां नूं उतारते हाँ जिदे नाल साडी ज़िंदगी आसान हो जाए। और ऐसा ही एक आसानी वाला काम है फ्रोजन फूड्स का इस्तेमाल। मैं डाइटिशन पल्लवी जसल अज तुहाडे नाल गल करन वाली हाँ कि फ्रोजन फूड्स जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, कि हर किचन का हिस्सा बन गए हैं, उन्हां दे की तुहानूं नुकसान हो सकते हैं ते उन्हां नूं यूज़ करन लई तुहानूं किन किन चीज़ां का ध्यान रखना चाहिए है जिदे नाल कि तुहाडे फैमिली दी हेल्थ ठीक रहे। फ्रोजन फूड्स दे जिहड़े आपां गल करिए तां फ्रोजन फूड्स एक ऐसी स्टेट होंदी है खाने दी जिहदे विच कि जिहड़े एंजाइमैटिक रिएक्शंस हैगे आ जिहड़े खाने नूं डीजनरेट करते हैं, डीकंपोज करते हैं, वो कुछ देर लई पॉज हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ पॉज बटन। लेकिन इस पॉज नूं मेनटेन करन लई इहदे विच बहुत सारे एडिटिव्स, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं। सब तो पहला सोडियम नाइट्राइट पाया जाता है, इहदे विच ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इहदे विच बहुत सारे केमिकल्स ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं जिहड़े कि कारसिनोजेनिक होंगे, जिवें कि एसिटाइल हाइड्रोजाइड होंगे है। और सब तो ज़्यादा बच्चों का फेवरेट फूड होंगे है फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ फ्रोजन फॉर्म के मिलते हैं जिदे विच मैलिक हाइड्रोजाइड नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जिहड़ा कि कारसिनोजेनिक है। सो इन सारिया जिहड़े एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स है तुहाडी हेल्थ को खराब करते हैं। दे आर कैंसर कॉजिंग, दे कैन लीड यू टू डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। और क्योंकि जिहड़े खाने होंगे उन्होंने मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया जाता है जिन्हों की अजीनोमोटो के नाम से तुम जानते हो, हाई सोडियम कंटेंट होने की वजह के नाल ये तुहाडे हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है जिहड़ा अगे जाके हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक नूं भी यह लीड कर सकता है। इस तों इलावा बहुत सारे खाने के विच कॉर्न स्टार्च या कॉर्न सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है जिहड़ा कि डायबिटीज़ नूं होर भी ज़्यादा प्रेवलेंट कर सकता है और डायबिटिक्स के लिए बहुत ही डिजास्ट्रस हो सकता है। सो नाउ आपां की कर सकते हैं इस चीज़ नूं रोकण वास्ते। सब तो पहला फ्रोजन फूड्स नूं जदों तुसी रूम टैंपरेचर ते लैके आना है, की करदे आ तुसी शेल्फ ते उहनूं बाहर रख दिंदे हो कि वो उहदा टैंपरेचर ठीक हो जाए, फिर तुसी उहनूं कुक कर सको। लेकिन इत्थे मैं सलाह देना चाहवांगी, जदों भी फ्रोजन फूड नूं तुसी इस्तेमाल करना है कुकिंग वास्ते, उहनूं रेफ्रिजरेटर दे विच ही तुसी थॉ करो, उहनूं रेफ्रिजरेटर दे विच ही उहनूं नॉर्मल टैंपरेचर ते आण दिओ। जे तुसी इस खाणे नूं बाहर शेल्फ ते रख के जे तुसी इहनूं थॉ करदे हो, इहनूं नॉर्मल टैंपरेचर ते लियांदे हो, इहदे विच ऐसे रिएक्शंस होंदे हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, माइक्रोबियल ग्रोथ इहनूं डेंजरस तुहाडे वास्ते बना सकते हैं। इस तों इलावा तुसी फ्रोजन फूड नूं जदों बार बार तुसी उहनूं फ्रीजर चों बाहर कढ़दे हो और तुसी उहनूं बार बार उहनूं थॉ करदे हो, उहनूं नॉर्मल टैंपरेचर ते लियांदे हो, इह बार बार इह जे तुसी तरीका यूज़ करदे हो तां इह खाणे नूं अनसेफ रेंडर कर सकता है। सो बहुत ज़रूरी है कि तुसी अपने दिन दे विच कुछ टाइम निकालो और फ्रैश खाने बनाने की कोशिश करो। नो डाउट वर्किंग मॉम्स लई फ्रोजन फूड्स दे आर द बूंस, लेकिन तुसी थोड़ी जी मेहनत करो, बिकॉज अगे जाके जे सेहत खराब हो जाती है तां उहदे विच जिहड़े हॉस्पिटल्स दे चक्कर है क्या, तुहाडे अपणिआं नूं जिहड़ी तकलीफ है काफ़ी हद तक तुसी उहनूं अवॉइड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन पल्लवी जसल नाउ सेइंग बाय, एंड टिल वी मीट अगैन, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर।